की लाइफ में कॉम्पिटिशन इज बिकमिंग वेरी टफ दीज डेज एंड नए नए चैनल आ रहे हैं तो आई थिंक ये कॉम्पिटिशन और भी टफ हो जाता है बिकॉज हमारे व्यूअर्स बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं फिर बट दीज पीपल मूवू चैनल मुंबई एंड यू पीपल आर कमिंग विद अ वेरी ब्यूटिफुल शो स्कूल डेज रीयूनियन एंड अजब सास की गजब कहानी तो बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट हाँ सो दो शो एंड एक और रियलिटी शो जिसके बारे में मैंने सुना था एंड आई थिंक दैट्स वेरी एनकरेजिंग एंड दैट इज़ वन ऑफ द शो बिकॉज वो ही शो मुझे यहाँ तक खींच के लाया दिस शो इज़ नॉट अबाउट अ सेलिब्रिटी दैट्स नॉट समथिंग अबाउट कि आप डे टू डे की सोशल लाइफ में क्या मैसेज दे रहे हो दिस शो इज़ ऑल अबाउट अ हीरो अ रियल लाइफ हीरो जो दुनिया के लिए या लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर लेते हैं और वो जिंदगी भर उसी एक सोच में खुश रहते कि मेरी इस तकलीफ की वजह से किसी और की जिंदगी बची या बहुत कुछ उनका अच्छा हुआ लाइफ भर उनकी वो लोग याद रखेंगे सो दीज काइंड ऑफ शोज हार्डली यू गेट टू सी एंड आई एम रियली श्योर दैट कि मूवू चैनल के जो व्यूवर्स है उन्हें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत स्टडी एंड स्टेबल व्यूवरशिप होगी शायद तक आई वुड लव टू डू रियलिटी शोज एंड आई थिंक वन ऑफ अ वेरी मुझे टीवी के रियलिटी शोज बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इट गिव्स यू ओनली वन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड वेरी डिफरेंट इज कमिंग अप आई वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ इट मेरी स्कूल की यादें बहुत खराब थी मुझे नहीं याद करना है सो व्हेन आई सॉ दिस तो मैं अपने आप में ही सोच रही थी कि मैं बहुत गंदी दिखती थी स्कूल में और मुझे लो कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम वाज नॉट देयर जैसे जैसे बड़ी हुई फिर मुझे ऐसे लगा कि दुनिया दूसरे तरीके से भी देखनी चाहिए एंड देन आई रियलाइज दैट कि ओके यू हैव टू ट्राई एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ तो येस इट डज मैटर इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट डे एंड फॉर मी मेरे फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए दे आर नॉट एन एक्टर और जो बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं दे आर वेरी नॉर्मल पीपल वो लोग की दुनिया मुझसे बहुत अलग है तो मैं उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए जाती हूँ बट एवरी टाइम ईच मोमेंट आई लिव विद देम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज नॉट ओनली फॉर द डे आई हार्डली गेट टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर एंड आई एम श्योर दैट के हर कोई इस मोमेंट को जीता है क्योंकि आपकी डे टू डे की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है बट व्हेन यू इन योर कंफर्ट जोन विथ योर फ्रेंड्स विथ योर लव्ड वंस यू डेफिनेटली लव दैट लाइफ थैंक यू सर सेलिब्रेट करने वाले फ्रेंडशिप डे देखते हैं मैं सेलिब्रेट करूंगी देन इट विल बी ऑन माय सोशल मीडिया बट आई हार्डली पुट सम ओके हाल ही में संजू आई का भी सराहा गया था तो आपकी जिंदगी में कोई कंप्लीट होगा तो वो कौन होगा या कम नहीं होगा मेरे पास ना मेरे 12 कमली है तो उनके नाम नहीं गिना सकती बट थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी ऑल दैट थिंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेट्स टॉक अबाउट मूवू चैनल मोर देन फ्रेंडशिप डे थैंक यू सो मच डब्ल्यू शो और जो हमारे टॉप 3-4 चैनल हैं उनमें से एक हो और कौन से शो में आप नजर आने वाली और कोई किरदार अगर उस बारे में बताएं मैं कौन से शो में नज़र आने वाली हूँ तो आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊँगी और अभी तो आपको पता है कि मैं इस समय क्या क्या कर रही हूँ एट प्रेजेंट कुछ चीज़ें मैं बाहर की भी कर रही हूँ हो सकता है मैं शो इस चैनल के लिए शो प्रोड्यूस भी करूँ मैं भी बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ दे दूँगी उम्मीद थी बहुत अलग आपके किया आपके बड़े नाम में आपने जिसे लोग बहुत सराह रहे हैं एंड पीपल लव द कंटेंट वेल फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी प्लेजेंट इवनिंग आज सब लोगों को इस शाम की बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि मैं यहाँ एक फंक्शन में आया हूँ और आज एक नया चैनल शुरू हो रहा है मूवू बड़ी खुशी की बात होती है कि जब कोई नया चैनल आता है उसके अपने एक सपने होते हैं उन सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है जाहिर सी बात है कि उसके पीछे मेहनत भी होगी और अल्टीमेटली जाके वो अपना एक रंग लेकर आएगा जहाँ तक रहा सवाल कि आज हमारा शो जो है क्रिएटिव लिमिटेड का इश्क सुभान अल्लाह तो वाकई ही ऊपर वाले की एक देन है मेहरबानी है एंड इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ द टीम एक सुभान अल्लाह आज बहुत खुशी की बात है कि आज उसका 100th एपिसोड अभी अभी टेलीकास्ट रात को 10 बजे हो रहा है
So, yes. So, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 10,000 घंटे बनाने के बाद भी रेडियो लिमिटेड हमेशा ये फील करती है, महसूस करती है कि इट्स ए न्यू डे, इट्स ए न्यू सन राइजिंग. और मैं हमेशा अपनी टीम को यही कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ करना है तो अपने दिमाग को संतुलित रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए. इन लाइफ यू हैव टू मार्च अहेड, यू डोंट हैव टू फील दैट यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ. बस हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. आई कैन ओनली से ऑन टुडेज ओकेजन कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मूवो टीवी को हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मूवो टीवी को हैं. और मैं चाहूँगा कि भगवान करे कि जिस तरह से बहुत साल पहले हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, आज जो इनकी शुरुआत हो रही है वो एक मुकाम पर पहुँचे. एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. बोलिए जी, जब धीरज जी ने मूवो टीवी के बारे में इतनी शुभकामनाएं दी हैं, हाँ, तो इतने वरिष्ठ व्यक्तित्व के मुँह से इतनी शुभकामनाएं आने के बाद इसमें कोई शक नहीं कि चैनल सफलता प्राप्त करेगा ही करेगा. मेरी शुभकामनाएं इन सब के साथ हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. डिजिटल ज़माने में एक और नया टीवी चैनल आया है, तो मतलब पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टेलीविजन. एंड नया चैनल मतलब जितने भी और एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबके लिए और काम मिलेगा. एंड कंटेंट जो है, क्वालिटी जो है, अगर सही रही तो फिर डेफिनेटली ये भी लंबे रेस के घोड़े रहेंगे. तो आप कोई शो में नजर आएंगे ऐसे कुछ अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है. आई हैव जस्ट कम बिकॉज इनवाइट था, तो हम इसलिए आए. बाकी काम तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे होता है. नॉट राइट नाउ, कपल ऑफ मूवीज, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द प्रोड्यूसर्स टू मेक द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, फिर मैं बोलूँ. इससे अच्छी शुरुआत किसी चैनल की हो ही नहीं सकती है. मुझे शुरुआत में ही अवार्ड दे दिया और इससे मुझे लगता है कि अवार्ड भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे और हो सकता है कि नया शो भी दे देंगे. तो आप सब दुआ कीजिए. बहुत दिन से टीवी पे आया नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ. क्या शो करना चाहेंगे अगर मौका? बिल्कुल करना चाहूँगा और शो का नाम भी रखूँगा मुँह बू, मतलब मुँह बोली बातें, मुँह से बोली बातें. और ऐसे शो को आप सब पसंद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है. और इस शो का, इस चैनल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चैनल बहुत बड़ा बने. हाँ जी, मित्रा मित्रा, 2019 में मत रहो. सारे पत्रकारों को मूवो चैनल खुलने की खुशी में 2019 में एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी. मित्रों मत रो, भक्तजनों, मूवो चैनल के तहत जल्दी ही नया शो लेकर आऊंगा. आप लोग मेरी सिफारिश कीजिए क्योंकि आजकल सिफारिश का ज़माना है. बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग प्यार से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा. सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो चुका हूँ, आपको पता ही है. सुनील पाल की चौपाल, ये मेरा यूट्यूब का चैनल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया जा रहा है. आप भी सब्सक्राइब कीजिए. और जल्दी फिल्म आ रही है मेरी बिग बॉस. भारत में नहीं पूरी दुनिया में 65% महिलाएँ और पुरुष दोनों विग पहनते हैं, आपको पता ही होगा. और उसी पे आधारित फिल्म है बिग बॉस, जल्द आ रही है, उसकी शूटिंग चल रही है. राखी सावंत, उपासना सिंह, मास्टर गणेश आचार्य, मैं और बहुत सारे कॉमेडी कलाकार हैं. जल्दी आएगी फिल्म बिग बॉस. आप पूछो आगे बॉस. सल्लू वो है, मैं कल्लू हूँ. और कोई सवाल? आप सवाल कम पूछते हो यार. आपके अंदर क्या अमिताभ बच्चन को जगाओ, 14 सवाल करो कम से कम. चाहता हूँ कि राधा मिले और ये शादी कर ले. बहुत सवाल करता है, शादी के बाद फिर सवाल करके दिखाना. तो फ्रेंडशिप दिन दे के दिन मैं चाहता हूँ कि इसे कोई फ्रेंडशिप करे. और फ्रेंडशिप दिन के लिए अभी से मुबारकबाद देता हूँ. आप सब मेरे फ्रेंड हैं, आप सबको फ्रेंडशिप दे बहुत मुबारक. सभी को देखना है. सबसे पहले सबको गुड इवनिंग. एंड ये जो हिंदी चैनल है हमारा, इंडियन चैनल है. बहुत सारे चैनल्स ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स है, सारे बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स हैं. इन लोगों ने बहुत सारे नए कलाकारों को चांस दिया है. अभी मैं लॉन्च देख के आई, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू एक्टर्स एंड न्यू कैरेक्टर्स, न्यू शोज़,
कुछ बच्चों के स्कूल के ऊपर कुछ शो है. सो इट इज़ नाइस. बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेक्नीशियंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्टर्स को मिलेगी, प्रोड्यूसर्स को मिलेगी. अंदर इंटीरियर्स गाँव में दिखाई जाएगा ये चैनल. सो आई एम वेरी हैप्पी. ऑल द बेस्ट टू मूबू टीवी. उन लोगों ने मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट. एंड आई वॉज ग्लैड टू शेयर माई बचपन की स्टोरी. सो या थैंक यू. Well, from a channel you always expect great entertainment, you expect something different. What standards this channel is going to set, like obviously we have so many array of the main channels that we see, but what is this channel, what is this channel going to be about? A comedy, is it going to be about teaching something, is it going to be entertaining, what? So obviously we have great expectations when a channel opens, and we want to wish them all the best also because it's their first day. Yeah, I just wish everyone belonging to the channel and the people who put in hard work and sweat and blood to make different shows all the very best. One more channel amongst the 10,783rd channel. So I just wish that the competition is more, there is more work for everyone, and it's just a boon to our industry to have so many channels now and with great content. So all the best guys, and all the best to Moobu the channel. Moobu, jo hai naam kaafi unique hai, kya expect kar rahe ho channel se, kya aapko chhodne wala hai? I think Moobu, what does Moobu stand for? What does it stand for? It is actually unique, a name so that, you know, people just catch on to the name rather than having a, you know. Moobu matlab, they must have got confused. Mumbai bolu ya Bombay bolu, so Moobu. Yeah. आई थिंक हर भारतीय का सपना है कि हमारा देश स्वच्छ रहे. सो आई डोंट नो वेदर दिस चैनल इज गोना शो समथिंग अबाउट दैट, बट या आई डोंट नो वेदर इट्स हर भारत का सपना. लेट्स सी कि ये क्या सपना दिखाते हैं. या फ्रेंडशिप डे तो मतलब मैं इधर आ गया. ओह माय गॉड, दोस्त है मैं. वेल, फ्रेंडशिप डे में मैं बिलीव करती हूँ या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ. आई थिंक हम लोग तकरीबन 25 साल से फ्रेंड्स हैं, सो दैट सेज इट ऑल कि हम लोग फ्रेंड्स में कितने बिलीव करते हैं. एंड ऑलमोस्ट हर चैनल में काम किया हुआ है. या सो होपफुली वी विल डू समथिंग फॉर दिस चैनल आल्सो. मैं इनके बचपन में नहीं था, मैं बहुत बाद में आया. और मैं भी इनके बचपन में नहीं थी. बुढ़ापा काफ़ी है इनके साथ बिताने. नहीं, बट इट इज़ ऐसा ही माहौल था बहुत साल पहले जब हमने पहली बार जब काम किया था और एक चैनल के लिए काम किया था, तो ऐसा ही एक्साइटमेंट एक्साइट थ्रिल था. एंड होपफुली आई प्रे लाइक यू नो एंड ऑल आर ब्लेसिंग्स टू मूबू चैनल दैट दे रियली डू गुड एंड कम अप विद सम रियल गुड प्रोग्राम्स. शानी यादव. एंड डेफिनेटली आप लोगों ने लास्ट मुझे मेरे साई में देखा होगा. सो या गो अहेड. सी मूबू, अगर आप वो चैनल का नाम सुनते हो तो इट्स लाइक MUBU. उस लेटर्स में इतना डिफरेंस है. सो डेफिनेटली आपको बहुत मसाला देखने मिलने वाला है, बिकॉज वन इज कम्प्लीटली ऑल अबाउट रिटर्न्स ऑफ स्कूल एंड द सेकेंड इज सास बहू का सीरियल. तो इट्स गोना बी जस्ट अमेजिंग. ऑल मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट चैनल्स यू गोना सी इन जस्ट वन चैनल, दैट्स मूबू. हर भारतीय का सपना पूरा होगा. सो जस्ट बी हैप्पी गाइस. फ्रेंडशिप डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो सब मेरे घर पे आ जाते हैं. वी एंजॉय लॉट, वी कट केक, देन वी गो आउट, वी सेलिब्रेट. सो यही होगा इस साल भी डेफिनेटली. थैंक यू. एक्चुअली इट्स अ क्यूट नेम. It's a really, really cute name and superb name. And we wish all the best for this channel. And हम लोगों ने कुछ promos देखे, right? It is like and we loved super. It. We loved it. We're actually amazing. Moobu, it's really a good and unique name. I think people will love it. And our wishes are with Moobu. Lots of
happiness and success. बहुत अच्छे और डिफरेंट परफॉर्मेंस हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से, और हमें लगता है कि जो दिखा उससे भी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा दिखा है तो मुझे लग रहा है कि चैनल भी बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये चैनल बहुत धमाका करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सुपर वाला, वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट में जिस तरीके से सब टीवी ने जितना जो है आज भी हर घर में देखा जाता है, वैसे ये भी चलेगा, और आजकल जो है वो एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये चैनल जो है वो सब कुछ लोगों को देगा जो उनको चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू मोबू चैनल, और जो टाइटल है, जो नाम है चैनल का मोबू, बहुत क्यूट है, और मुझे लगता है इसको बच्चे भी बहुत प्रेफर करेंगे, एंड इट्स ए फैमिली चैनल जो फैमिली मिलकर देखेंगे, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जरूरत है बिल्कुल ऐसे चैनलों की जरूरत है सर, और काम बढ़ेगा, और एक्टरों को काम मिलेगा, राइटरों को काम मिलेगा, आप लोगों को काम मिलेगा। क्या क्या कुछ आप लिखने वाले हैं शो के लिए? बात तो मांशु भाई हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं जब भी हम लोग आए भी हैं। क्या रियलिटी शो में क्या लिखना क्या? मैं तो चाहता हूँ कॉमेडी कुछ अलग चल रहा है आजकल, भाभी जी घर पे चीज़ें चलते हैं, तो कुछ इस दल से कुछ चीज़ें आएँ। तो सबसे पहले तो बेस्ट विशेज मोबू टीवी को, आज के डिजिटल दौर में एक चैनल का लॉन्च होना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत हिम्मत वाला काम है, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, प्रोमो लगा इनका, तो आई एम श्योर कि ये बूम करेगा काफ़ी आज के तौर पर। नॉर्थ का फील आ गया है जुबान की, डायलेक्ट की बात करूँ जी, तो मेरठिया या सहारनपुर या पिंडौरी, करेक्ट, शो भी चल रहे हैं चाहे वो, और वो बहुत अट्रैक्ट भी करते हैं बेसिकली, करेक्ट। नॉर्थ बेस्ड हो चुका है चैनलों पे काफी, मैं बिजनौर का ही हूँ, तो मेरे हिसाब से नॉर्थ का चाहे वो हरियाणवी है, चाहे वो यूपी लैंग्वेज है, चाहे वो बिहार से है, वो शोज बहुत अट्रैक्ट करते हैं यूथ को, क्योंकि डिफरेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, रियल होते हैं, सबसे बड़ी बात। देखिए प्रोग्राम अच्छे बनेंगे और अच्छी विजुअलिटी होगी तो मुझे लगता है डेफिनेटली। This show came to me as a surprise because I didn't came for any audition and it just came to me as a surprise. They called me, I went there and वो एक concept था उनका कि school है, फिर young age है, मतलब there are three ages. एक तो बचपन का age है जहाँ पे 15 साल का एक बच्चा है, फिर एक age है जहाँ पे 25-26 years का एक professional बंदा है, फिर एक 50 years का भी बंदा है. So I'm playing three shades. बहुत interesting है character and बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. ये शो जो है ना, ये एक ऐसे फ्लो में जाता है कि एक आदमी अपना अपनी कहानी बता रहा है तो वो फ्लैशबैक में जाता है, और जब फ्लैशबैक में जाता है तो बहुत सारे किस्से उनको पता चलता है, तो ये उन दिनों की बात से थोड़ा सा डिफरेंट है ये स्टोरी, तो आप लोग जब देखेंगे आपको मज़ा आएगा। हाँ, ये MUBU मूबू जो है, एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट है मुंबई एंड यू, और ये बहुत पुराना चैनल है, ये दूरदर्शन का एक कार्टून चैनल हुआ करता था, 2017 तक ये कार्टून चैनल था जितना मुझे पता है, जितना मैं सुना है, और अभी इन्होंने इसको एंटरटेनमेंट चैनल में लिया है, सो इसका ऑलरेडी मार्केट में नाम है, नाउ दे आर डूइंग एंटरटेनमेंट एंड दे आर डूइंग वेरी डिफरेंट सीरियल्स नाउ, जो अभी सीरियल्स चल रहा है उससे बहुत डिफरेंट सीरियल्स कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है। ओके, तो मेरा नाम मंजरी मिश्रा है, मैं बेसिकली यूपी से हूँ, लेकिन मैं पली बड़ी हूँ कैलकटा में, और अब काम कर रही हूँ मुंबई में। मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ एक दिन के काम के लिए, फिर मुझे इनके प्रोडक्शन में काम मिल गया, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया इनके फर्स्ट शेड्यूल में, और अब मैं इनके जो लीड कैरेक्टर्स हैं उसमें अब एक वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स हूँ, तो ऐसी मेरी जर्नी रही है इन लोगों के साथ। देखिए सही और गलत तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब शुरुआत कर दी है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। जो हमारी
हमारी कास्ट है, पहली बात तो हमारा ये जो बेस है, जो टॉपिक है इस सीरियल का, वो इतना अच्छा है, इतना रिलेट करने लायक है कि हम वैसे ही घुल मिल जाते हैं, तो हमें अलग से घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, हर वक्त स्कूल ड्रेस में या ऐसे ही हर वक्त मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एक दूसरे के साथ यू नो कनेक्ट होने में, घुलने मिलने में, तो बहुत आसानी हुई काम करने में। सॉरी, मैं ज़्यादा टीवी सीरियल्स नहीं देखती, मैं मूवीज़ देखना पसंद करती हूँ, वो भी थिएटर्स में जाके। बट अब आई थिंक मुझे हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कौन सा सीरियल टॉप पे है, कौन अच्छे एक्टर्स है, क्या सीरियल चल रहा है मार्केट में, तो मैं अब ज़रूर फॉलोअप करूँगी। एंड इन दिस सीरियल आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अंकिता श्रीवास्तव। शी इज़ द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एंड शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल, वेरी फोकस्ड, हमेशा उसको लीड करना अच्छा लगता है और उसके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट उसके एथिक्स और उसके वैल्यूज़ है। शी इज़ अ गर्ल विथ अ मिक्सड इमोशंस, बाहर शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट वूमन बट अंदर ही अंदर शी इज़ अ मच्योर इमोशनल वूमन। सो ओवरऑल द कैरेक्टर इज अंकिता श्रीवास्तव। थैंक यू। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, और वैसे भी आजकल न्यू कवर्स को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आई विल ट्राई, मैं अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगी, जितनी हो सके उतनी मेहनत करूँगी, एंड आई विल मेक माई स्टेप ओवर देयर। हर किसी अभी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चैनल्स हैं, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होने से पहले उन्होंने भी कभी ना कभी शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक मोटिव रखा था कि वी हैव टू कम्पीट विद ऑल अदर चैनल्स, तो जैसे उन्होंने रखा था वील ऑल्सो कम्पीट विद ऑल अदर चैनल्स एंड वील रीच ऑन द टॉप। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो मेरी तरफ से मुगू टीवी को और आप सबको। और मेरा नाम मयंक शेखर है, मैं रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में अभिषेक मुखर्जी का रोल कर रहा हूँ, और ये जो कैरेक्टर है एक साइंटिस्ट का कैरेक्टर है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा नर्डी भी है, और कभी कभी टेम्पर भी लूज़ कर देता है, तो और फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा एंड कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों का प्यार मिलता है इस तरह से। थैंक यू सो मच। मैं ये बोलना चाहूँगा अपने बारे में कि मैं डेब्यू कर रहा हूँ बॉलीवुड मूवी अदृश्य में, जो 3 अगस्त को आ रही है, तो आप लोग सब इस प्यारे से मूवी को देखें। बच्चों की कहानी है, टिंच ऑफ हॉरर है, अपने फुल फैमिली के साथ देख सकते हैं, बहुत प्यार से बनाई गई संदीप चैटर्जी की मूवी है। मेरा नाम निशात मलिक और आई एम डेब्यूटिंग ऑन 3 अगस्त विद द मूवी अदृश्य। मैंने देखा अभी लॉन्च हो रही है बैक टू स्कूल डेज, उनका मैंने प्रोमो देखा, तो इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, सो आई बिलीव यू नो कुछ कैरेक्टर्स नए भी है उसमें, सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू मुगू टीवी एंड इट डज वेल एंड वी कैन बी यू नो एसोसिएटेड थ्रू सम मे बी सम ऑफ द शोज, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हिंदी सीरियल हर किसी का सपना रहता है, जब छोटे गांव से कोई आता है तो हर कोई चाहता है एक सीरियल में काम करे या छोटा मोटा टीवी पे कहीं दिखे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर, और आई होप कि नया चैनल है, नया सीरियल है, सीरियल का स्टोरी बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग है बाकी स्टोरी से, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्कूल की कहानी है, हमारी कहानी है, हम सबसे जुड़ी हुई कहानी है, स्कूल की कहानी है, इसलिए तो आप सब देखिएगा और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा। सबसे पहले तो मुंबू टीवी को और मनीष श्रीवास्तव सर और नरसिंह सर को कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट एंड ब्राइट फ्यूचर। और सभी का ये मानना है कि जो चैनल का होर्डिंग मुहूर्त में और जो सुपरस्टार का होर्डिंग मुहूर्त में ब्राइट का लगता है और कॉरपोरेट का, वो हिट होती है, तो मुंबू टीवी का भी काम ब्राइट ने किया है, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि इनकी भी जो चैनल्स है सुपर डुपर हिट होवे, वर्ल्ड वाइड फेमस होवे और बहुत अच्छा नाम और सब पैसा कमावे, और आप दोस्त लोगों को वहाँ भी बहुत बड़ा काम और मिले, इसलिए थैंक यू। मेरा 4th ब्राइट अवार्ड नाइट है जो 25 सितंबर ट्यूसडे को NSCI डोम में है, डोम NSCI वर्ली में, जिसमें 50-60 फिल्म स्टार आने वाले और बहुत से ऑर्केस्ट्रा, कॉमेडी परफॉर्मेंस लाइव, और संजय दत्त, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन और बहुत से 50-60 फिल्म स्टार आने वाले हैं, और बहुत बड़े पैमाने में शो हो रहा है,
तो मेरा बर्थडे भी है प्लस मेरा ब्राइट एवरनाइट स्पोर्ट है। आपने आगे तीन की झलक तो देखी है जिसमें शाहरुख, ऋतिक, रणवीर और बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ बहुत सिंगर्स और कॉमेडियंस और एंटरटेनमेंट का जलवा रहता है। तो लोग मुझे पूछते हैं कभी आपका ये पार्टी है, तो बहुत जल्दी 25 सितंबर। थैंक यू। मुझे अभी तक सिर्फ मतलब 2000 से भी ज़्यादा टाइम अवार्ड्स और स्टेज पे फेलिसिटेशन किया है और स्पेशल सम्मान दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस लायक हूँ। थैंक यू। बहुत झंझट होता है, अभी इनका बर्थडे आ रहा है, उसकी बात 25 सितंबर को टाइम है। 25 तारीख को अभी इन्होंने बोल दिया है कि 25 सितंबर मुकेश भाई का बर्थडे होता है, तो शाहरुख भाई सब लोग होते हैं बर्थडे पे, तो बोले मनीष तो हमेशा होस्ट करता है इनका, बोले मनीष और तुम होस्ट करना, मनीष और मैं। हाँ मनीष, मैंने उनकी बात कर दूँगा। तो इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग। मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई जो मूबू टीवी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। एक आध बार फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे, तो एक होता है ना चैनल वालों से तो हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन चैनल वाले का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो लेकिन मनीष जी के साथ वो जस्ट सो फ्रेंडली। और दूसरी बात, मैं इनके ऑफिस गया, मैं इनके सब स्टाफ से मिला, इनके एक्टर से मिला। ये जो स्टेज पर आज बता रहे थे लोगों को कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, और वो वाकई वैसा है। ये उनमें से नहीं है कि आप एक फैमिली बना के और फिर यू नो बाद में लोग जब पलटता है तो फिर कुछ और ही हो जाते हैं, बट ही हैज़ एक्चुअली मेड अ फैमिली। सो हम सब की बेस्ट विशेज़ हैं फॉर मूबू टीवी। बड़े सारे चैनल कलर्स भी ऐसे ही नया नया आया था, हम लोगों ने देखा एंड टीवी जब आया था तो मैंने फर्स्ट शो किया था, शाहरुख सर का एक शो था और मेरा किलर कैरियोके आता था उस पर, तो उसकी भी शुरुआत हुई, लेकिन आज एंड टीवी हो गया। तो मैं यही विशेष देना चाहूँगा कि मूबू टीवी भी ऐसे ही जो शुरुआत हुआ है, कल से ये लॉन्च हो रहा है, इसके दो नए शोज़ आ रहे हैं, एक रिटर्न ऑफ स्कूल डेज आप देखेंगे जो हम मेरे को भी बहुत पसंद आया पर्सनली, मैंने सर को बोला, इट्स अ वंडरफुल शो एंड इट्स अ वंडरफुल टीम ऑफ ऑल द एक्टर्स हु हैव डन वंडरफुल जॉब। सब नए लोग हैं लेकिन आप देखेंगे कि बहुत मेच्योर परफॉर्मेंसेज दिए हैं कोमल ने और अमित ने और सभी लोगों ने, ऑल द होल टीम। और वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे, जैसा कि सर ने बताया, तो बोलते हैं ना जब रियल लाइफ किस्सा होता है तो वो ज़्यादा दिल को छू जाता है। और टेलीविज़न ऐसा मीडियम है हमारा, इंडियन टेलीविज़न, आज भी आप इंग्लिश टाइप का शो लाओ तो यहाँ वर्क नहीं करता, यहाँ पर वही सब चीज़ें चलेंगी जो बहुत इंडियनाइज है। जैसे हमारा शो भी हम करते हैं, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से लेकर आओ जो स्टैंड अप करता है या कर, यूट्यूब वाले आपने देखा चैनल पर बहुत आए और बहुत चले गए, तो बहुत कुछ ही लोग टिके हुए हैं जो बहुत इंडियनाइज चीज़ दे सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही एक बहुत इंडियनाइज शो है जो पीपल विल लव टू वॉच। इस वजह से दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जी, स्कूल डे में तो मैं तो बहुत मस्करी वाला था, मैं तो BST बस में मेरे को झूस है, मैं सेंट लॉरेंस स्कूल में था सेंटा क्रूज में, तो हमारे वो एरोप्लेन वाला पार्क था बगल में, नहीं है उसके, तो हम तो पार्क वार्क में होते थे ज़्यादा टाइम पे, स्कूल वूल में नहीं। फिर बाहर एक मैं एक लड़की को बहुत क्रश था मेरा, तो मैं सुनैना नाम था, हाँ मुझे याद है, साउथ इंडियन लड़की थी, तो मैं उसका वेट करता था, वो आती थी तो मैं उसको देखता ही रहता था बस, फिर कभी बात नहीं की है मैंने कभी भी नहीं, फिर ऐसा हो गया, फिर बाद में अलग फंस गया मैं। फ्रेंडशिप डे आने बोले क्या वो पेपर के लिए, तो फ्रेंडशिप डे पे मैंने भारती का नाम दिया, मैंने भारती वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, अभी तो खतरों के खिलाड़ी में, शायद मैं भी जाऊँ अभी, रोहित सर ने बुलाया है, हाँ तो शायद मैं भी चला जाऊँगा अभी, तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ यार सब, क्या ठीक है ना, हाँ तो भारती मैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स कहूँगा, भारती को मैं कॉमेडी सर्कल जब हमने शुरू किया तब से जानता हूँ, एंड शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाई मी, मेरे लाइफ में भी जैसे सर बोल रहे थे उतार चढ़ाव में जो लोग होते हैं वही आपके दोस्त होते हैं। तो मेरे फादर एक्सपायर हुए अभी 2-2.5 साल पहले, आप लोग जानते हैं, तो भारती तब भी मेरे साथ खड़ी रही, मुझे स्टेज पे भी संभालती है, कॉमेडी नाइट्स कपिल का शो हमने टेक ओवर किया, हम इतने घबराए हुए थे कैसे होगा, वहाँ भी भारती ने संभाला, कॉमेडी नाइट बचाओ भी संभाला, बड़े सारे शोज जो हैं स्टेज पे भारती ने मुझे संभाला, आई थिंक शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड टू मी। अरे तो बहुत अच्छी बात है, चैनल तो लॉन्च होने चाहिए, जितने चैनल लॉन्च होंगे उतने शोज आएंगे, मनीष जी जैसे लोग, नरशी वसानी सर जैसे लोग,
जो चैनल लॉन्च करें, इट्स गुड फॉर एक्टर्स, गुड फॉर ऑल द पीपल टेक्नीशियंस, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोना वर्क. एक्टर्स को एक टाइम था जब एक्टर के पास इतना काम नहीं था, आज हर एक्टर के पास बहुत काम है क्योंकि चैनल्स बहुत आ गए हैं, बहुत सारे शोज बन रहे हैं एंड लोग देख रहे हैं वो शोज़, तभी इतने सारे चैनल लॉन्च हो रहे हैं. तो इट्स अ वंडरफुल थिंग दे ऑल आर डूइंग फॉर द कंट्री एंड फॉर पीपल. एक आखिरी सवाल ये कि अरे हॉटस्टार है राइट, इट्स अ बहुत अच्छा सवाल आपने किया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग बिकॉज टुडे अभी सब डिजिटलाइज हो रहा है, लोग अभी टीवी पे ज़रा कम जा रहे हैं. जब से टाटा स्काई आया था फिर भी रुका के लोग रखते थे कि रात को बैठ के देखेंगे, बट फिर भी मैं मेजरली नहीं कहूँगा जो के सब लोग डिजिटल पे ही जा रहे हैं, यूथ जो है वो ज़्यादा डिजिटल से जुड़ा हुआ है. जहाँ की फैमिलीज़ हैं आई थिंक वो अभी भी घर पे बैठ के लेडीज़ जो है ना वो भी टेलीविज़न देखना ही पसंद करती हैं रादर देन गोइंग डिजिटल. आप देखोगे अगर कोई माँ बच्चा होगा वही रात को मदर को यू नो टीनेजर होगा या कॉलेज स्टूडेंट होगा वो डिजिटली दिखाएगा मदर को कि ये वाला शो आपने मिस किया या ये वाला एपिसोड आपने मिस किया, बट द मदर वुड एक्चुअली वॉच टेलीविज़न. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा, टेलीविज़न कभी मर नहीं सकता, डिजिटल बढ़ सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, बट टेलीविज़न वुड नेवर एंड. बिल्कुल, मैं कपिल और मैं दोनों, मैं अभी कपिल को मैं हक करना चाहूँगा डेफिनेटली, और हम एक डेढ़ महीने में, हाँ आप पक्का देखेंगे, और मैं उसको मिला भी था जाके एंड आई वॉन्ट दैट ही शुड गेट वेल एंड ही शुड कम बैक बिकॉज मैंने हमेशा उसके लिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि टाइगर जो है सो रहा है, फिर जब टाइगर उठेगा ना तो फिर सब चूहे हुए भाग जाएंगे, इधर जंगल से भाग जाते हैं, तो वो ही शुड कम बैक एंड आप सब लोग उसके लिए विश करिए कि हाँ चूहे बहुत होते हैं यार इधर हमारे, हम भी निकलते हैं. हाँ डेफिनेटली सर, अरे पूरा कंट्री चाहता है कि हम लोग सब साथ में आ जाएं, कि एक ही शो बन जाए, वो राइवल शो हो ही ना, तो कम से कम ये चारों को डाइजेस्ट तो कर पाएंगे लोग साथ में एक साथ, है ना. एक होता है ना आप कुछ शो में एक को दो को डाइजेस्ट करते हैं बाकी दो को नहीं कर पाते, सब साथ में आएंगे इट वुड बी वंडरफुल. मतलब आप अभी एक अलग से जैसे दबंग बनी, राउडी राठौड़ बनी, तो ये कभी खुशी कभी गम बन जाएगी जो टेलीविज़न के इतने सारे लोग जिन्होंने एक्चुअली इतने हम लोगों ने 10-12 साल हो गए इतने सारे शोज हमने वर्क कराए हैं टेलीविज़न पे, तो अगर सब साथ में आ गए तो इट वुड बी वंडरफुल. बिल्कुल मैं उसके साथ करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो आए और एकदम जमा के करे और मैं भी उसके साथ करूँ. तो क्या सच में ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है कि आप और कपिल साथ में आने वाले हैं कुछ, एक डेढ़ महीने में आपने किसी बोला होगा? नहीं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्लानिंग हो जाए, हो सकती है प्लानिंग. हाँ वो भी हमारे बीच में बात चली थी, एंड मॉल के साथ हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी हम जल्दी हमारा शो महीने डेढ़ महीने में आ जाएगा, क्या पता मूवी टीवी पे हम कर लें. एक्चुअली मनीष सर से भी मेरी बात हुई है एक्चुअली में कि हमें कॉमेडी शो जो है वो लेकर आए, मनीष जी इंटरेस्टेड थे साथ में करने के लिए. नहीं सच्ची में एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेरी 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 ग्रेट थैंक्स टू कृष्णा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने इनको बुलाया था और मेरी जब फर्स्ट टाइम इनसे फ़ोन से बात हुई थी तो ये बहुत बिजी थे, इनसे अनफॉर्चुनेटली एक ही बार बात हुई, उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई थी, पर फिर जब मैं इनसे मिला और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई ना तो ये लगा कि नहीं ये शो अगर इसकी होस्टिंग कोई कर सकता तो वो कुछ नहीं है और कोई नहीं कर सकता, और सुगंधा वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ को एंकर फॉर अस. तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं, समझने वाले हैं और सबसे बड़ा है कि दिल के बहुत अच्छे हैं. तो इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी. और रही बात साथ में शो करने की, कॉमेडी शो लाने की, और जो आप लोग के अभी जितने सारे क्वेश्चन हो रहे थे उसके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. थैंक यू जी.